राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब तक तो ये बात सामने आ रही थी कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर माफियाओं ने डमी कैंडिडेट बैठाकर पेपर पास करवाया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ना सिर्फ डमी कैंडिडेट बैठाकर बल्कि पूरा पेपर ही जयपुर के एक सेंटर से लीक किया गया था। एसओजी ने कई थानेदारों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस बीच अब ये केस और बड़ा होता जा रहा है। इस षड्यंत्र में हर्षवर्धन मीणा, पंकज चौधरी उर्फ यूनिक भांबू और शिवरतन मोटू मास्टरमाइंड हैं। अब तक एसओजी इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर चुकी है। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसओजी की टीम ने जब पकड़े गए सभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर से पूछताछ की तो हैरान रह गई। एसआई भर्ती के सॉल्व्ड पेपर के आंसर सभी 14 आरोपियों से फिर से पूछे तो एक भी आरोपी आंसर का जवाब नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, जो जानकारी बच्चों को होती है वो जानकारी भी ये नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान सामने आया है कि राजेश खंडेलवाल को जगदीश बिश्नोई ने लाखों रुपए देकर अपने गैंग में शामिल किया और फिर पेपर लीक करवाया। जैसे ही जयपुर सेंटर से ये पेपर लीक हुआ, जगदीश बिश्नोई, हर्षवर्धन पटवारी समेत पकड़े गए पेपर माफियाओं ने उन्हें अपने रिश्तेदारों को पूरे राजस्थान में पेपर लाखों से करोड़ों रुपए में बेच डाला। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का फर्जीवाड़ा सामने आने पर पूरे राजस्थान में खलबली मच गई है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी सब इंस्पेक्टर समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं पर भी सवाल उठाते हुए पेपर निरस्त किए जाने की बात कही है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्होंने एडीजी वीके सिंह को कई जानकारियां दी हैं। एक नहीं बल्कि 5 जानकारियों में बताया है कि पेपर लीक मामले में क्या क्या साजिश हुई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर किसी परीक्षा की गोपनीयता भंग होती है तो हाईकोर्ट के अनुसार उस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।